बिहार पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। वहीं बेगूसराय जिले में भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रखंड क्षेत्र में दीवाल पोल पर सटे बैनर पोस्ट अधिकारियों की उदासीनता बयान कर रही है, जबकि जिलाधिकारी पुलिस कप्तान का सख्त निर्देश दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रत्याशियों अपने अपने बैनर पोस्टर को उतार ले। प्रशासनिक आदेशों के बाद भी प्रत्याशी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह पोस्टर बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाने क्षेत्र की बताई जा रही है। चाचा, ये पोस्टर कितना दिन से लगा हुआ है? आदर्श आचार संहिता लागू है बाबा, फिर भी पोस्टर लगा हुआ है? 10-15 दिन से लगा हुआ है पोस्टर? कितना दिन से लगा हुआ है? पहले सावन से लगा हुआ है। राकेश जी, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, लेकिन पोस्टर वार जो है पंचायतों में, पोस्टर वार का खेला हो रहा है? नहीं, इसमें जो है सो आचार संहिता लगने के बाद सभी लोगों को चाहिए कि जो भी अपना पोस्टर दिए हुए हैं बिफोर से, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो डाले हैं उनको हटा लेना चाहिए, क्योंकि यह एक सामाजिक न्याय की बात है, समाज की बात है, और इसमें जो है सो पोस्टर लगाना उचित नहीं है। बीते सप्ताह दिन हो गए हैं आदर्श आचार संहिता लागू किया होना, लेकिन अभी भी तो पोस्टर वार का खेला खूब हो रहा है। नहीं, ये पोस्टर अगर जो भी लगाते हैं वो दोषी हैं, या इनको नहीं अगर लगा हुआ है तो उनकी गलती है, उनको जा करके अपने स्तर से उठा करके हटा लेना। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ।